Would you please make a video on Bakhur, Loban and Oud? Very interesting topic. धीरे धीरे अगर आपका टेस्ट डेवलप होता है फ्रेग्रेंसेज में, कई लोग होते हैं जो सिर्फ फ्रेग्रेंस एकदम फील गुड फ्रेश स्मेल करने के लिए पहनते हैं, तो उनको वो ये फ्रेग्रेंसेज अच्छे लगते हैं डिजाइनर्स वाले। लेकिन जब अगर आप एक एंथुजियास्ट की तरह देखते हो, अगर आप थोड़ा सा ग्रो करते हो, नोज आपका ग्रो होता है, तो आप नेचुरल परफ्यूमरी में जाते हो। व्हाट इज नेचुरल परफ्यूमरी? नीच, जो परफ्यूमरी हम वर्ड यूज़ करते हैं, कई लोगों को आज भी नहीं पता कि नीच का मतलब क्या है। देखिए, नीच ब्रांड्स जो हैं दोज आर टोटली बेस्ड ऑन फ्रेग्रेंसेस। मैं बात करूँ क्रीड, बहुत पुराना ब्रांड है जो कि 1700 से है, वो इतने 200 सालों से वो परफ्यूम्स ही बनाते जा रहे हैं। पहले राजा महाराजों के लिए बनाते थे, प्रिंस प्रिंसेस के लिए, आज भी उनके फ्रेग्रेंसेस, अवेंटस का नाम बहुत सब सुनते हैं आजकल, उसकी बड़ी कॉपीज बनती हैं, और भी उसके बड़े फ्रेग्रेंस हैं, सिल्वर माउंटेन वाटर हो गया, मिलेसियम इंपीरियल हो गया। तो क्रीड जो मैंने एक नाम लिया, वैसे नीश में तमाम ब्रांड्स हैं, रोज एडव का नाम ले लीजिए आप, या फिर सॉस्पीरो का नाम ले लीजिए, बड़े अच्छे ब्रांड जो मैंने ट्राई किए। मैं ऑब्वियसली उन ब्रांड्स के बारे में बात करूंगा, जो सारे तो मुझे नहीं पता, क्लाइव क्रिश्चियन भी अच्छा आता है ब्रांड। तो अब मैं बात करूं ब्रांड्स लाइक अजमल, तो अजमल भी एक नीच ब्रांड है, क्योंकि वो भी कोई कपड़े या कोई डिज़ाइनर का ब्रांड नहीं है जो क्लोथ और जूते वगैरह बनाते हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ फ्रेग्रेंसेज में अपने माहिर हैं, उनको मैं कहूँ तो। आसाम से निकला हुआ है अजमल ब्रांड, हमारे देश का है, तो इसलिए मैं बात करना चाहता हूँ बखूर। देखिए, बखूर है ये टॉपिक, हमने कभी कवर नहीं किया इस चैनल पे, हमें करना चाहिए। अजमल का दखून अलसफ़ा जो मेरे पास है, और वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स डाल दूंगा। इसकी स्मेल के बारे में फटाफट से डिस्क्राइब कर दूँ, मैं कहूँगा एक नॉस्टैल्जिक स्मेल है। सभी के घरों में, हिंदू हो मुस्लिम हो, जिनके भी प्रेयर्स होती हैं, पूजा होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, एटमॉस्फेयर को काम करने के लिए, पीसफुल करने के लिए आप बखूर लगाते हो, या फिर घर में धूप बत्ती लगाते हो, ऊद बत्ती जिसे पहले ज़माने में कहा जाता था, अब उसको हम धूप बत्ती कह देते हैं। तो आता ये ऊद का ही फॉर्म है, ये आता पेड़ से ही है, एक रेजन ही निकलती है, उसी से ही ये बनाया जाता है। आजकल बड़ी कह लूँ सिंथेटिक फॉर्म में अगरबत्तियाँ आती हैं, कुछ ब्रांड्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ ब्रांड्स का, लेकिन फेक होते हैं वो, जितने भी हैं वो सब सिंथेटिक ऊद कह कह के कि धूप बत्ती है, और बहुत ही मतलब कह लो कि बड़ा क्लॉइंग साफ फील देते हैं। ये जो चीज़ है ये फाइन है, बिकॉज ये अजमल की है, और इसकी जो मैं आपको रेट भी बताऊं तो इसमें अगर मेंशन हो तो, हाँ, तो ये है 1500 का। तो ये कितना ग्राम होगा, ये है 200 ग्राम, तो 200 ग्राम आपको 1500 रुपये का मिल रहा है। तो दिस इज आई थिंक अ गुड क्वालिटी, एक डिसेंट क्वालिटी, नॉट अ वेरी गुड क्वालिटी कहूँगा, लेकिन गुड क्वालिटी। फिर ऊद होगी तो आप ऊद चिप्स जलाओगे जो कि आएंगे 5-6 हज़ार, 10-10 हज़ार। तो ये है एक डिसेंट क्वालिटी 200 ग्राम। इसकी मैं आपको एक प्रेजेंटेशन, या मैं कह दूंगा किस तरह से ये बखूर आता है, तो मतलब राउंड सा शेप में जिस लाइक चारकोल आता है। और हाँ, इसको जलाने का भी तरीका जो है वो डिफरेंट है, वो आप इसको एकदम डायरेक्टली फायर जला करके, एकदम माचिस जला करके एकदम इसको मत लगाइए, दैट्स नॉट द वे, करेक्ट वे टू बर्न योर ऊद चिप्स और योर बखूर और दखून। इसका जो प्रोसेस है, तो हल्का सा ये लेके, मैं डिफाइन कर दूँ जल्दी से, हल्का सा मैं कहूँगा इतना सा, ये छोटा सा पीस ले करके, ये भी बहुत ज़्यादा है, अपने कपड़ों में लिया जाता है बेसिकली, जो बड़ा ट्रेडिशनल तरीका है, कपड़ों में लिया जाता है उसको। और बर्नर्स आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के बर्नर्स आजकल आने लग गए हैं, तो उनमें छोटा सा ये पीस रखा जाता है, और चारकोल के ऊपर जब उसमें आ जाए, राख आ जाए थोड़ा सा, तो उसको आप इसमें हल्का सा ये ऊद चिप या फिर दखून अलसफ़ा धूप बत्ती लगाइए, इवनली बर्न हो, इवनली बर्न होना मस्ट है। कई लोग डायरेक्टली इसको आग लगा देते हैं और वो धुआं धुआं हो जाता है, तो दैट इज़ नॉट द वे। तो ये अच्छी क्वालिटी का होना पहली चीज़ बड़ा ज़रूरी है, दखून या धूप बत्ती या फिर जो भी आप कहें, लोबान कहें, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, या ऊद चिप्स, मैं तो ऊद चिप्स रिकमेंड करूँगा, सबसे नेचुरल फॉर्म वही है। अगर आपको ओरिजिनल मिल जाता है बहुत बड़ी बात है, अगर मैं मुझे मिलता है तो मैं आपको एक लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये दखून अलसफ़ा मैंने अजमल से लिया है, और बहुत ही अच्छा है, आप लोग वेबसाइट से मेरी परचेस कर सकते हो, स्मेल जोन एंड से। स्मेल गुलाब की जैसी है, बड़ी मीठी सी स्मेल है, ऊद भी इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, बहुत फाइन, छोटे छोटे उन्होंने मतलब क्रश करके चीज़ें मिला करके उसको बनाया है, ऊद एंड रोज से, बहुत ही अच्छा है। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्मेल जोन इंडिया।